हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का जो वीडियो है इस बारे में है, जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, इसके बारे में जानकारी बहुत से लोगों को अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है, तो लोग सब समझ रहे हैं कि हमें चाहिए और गाड़ियों में लगवाना ज़रूरी है। बहुत सी इसके बारे में ये भी निकल के आ रहा है कि बहुत सी ऐसे अफवाहें निकल के आ रही हैं, ये चीज़ है, इसमें GPS लगा है और ट्रैक होता, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं, उसको समझना। ये दो तरह से काम करती हैं। पहला कि एक स्टैंडर्ड फॉन्ट होता है जो सभी गाड़ियों में यूज़ होगा, उसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर में, स्पेशली जब किसी पे सिग्नल पे आपने चाला मतलब गलती से सिग्नल तोड़ा या फिर किसी तरह से आपका चालान बनना या कुछ भी, तो ऐसी कंडीशन में इसको स्कैन करना आसान होता है और इसके जो फॉन्ट्स होते हैं वो ईजिली रीडेबल होते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के अंदर में। और दूसरी चीज़, ये जो प्लेट होती है ये एक मेटल का होता है, हाई कार्बन प्लेट्स होती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गलती नहीं है। तो इन केस कई बार ये देखा जाता है कि गाड़ियों में आग लग गई और वो पूरी गाड़ी पूरी तरह से जल गई, फिर उसका चेचिस नंबर से और फिर इंजन नंबर से इसको ढूंढने में बिल्ड बहुत समय लगता है। ऐसी कंडीशन में ये नंबर प्लेट जलेंगी नहीं और इस पर ये नंबर जो होते हैं थोड़े से उभरे हुए रहते हैं, तो ये नंबर जो है ख़राब नहीं होंगे। इन केस ऐसे हादसों में अगर गाड़ी में आग लग जाती है तो उस वक्त में ये नंबर ईजिली ट्रेसेबल रहेंगे और इसको पढ़ के आराम से आदमी जान सकता है। तो ये दो इसके मेन उद्देश्य हैं और सबसे बड़ा तो यही है कि ये लगे रहेंगे सब में, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा। मतलब बहुत से लोग बहुत डिज़ाइन में लिखवाते हैं, बहुत अलग तरीके से फैंसी तरीके से लिखवाते हैं, तो वो सारी चीज़ों पर रोक लगेगी। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा जो कि ईजी रीडेबल रहेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ताकि आपका चालान आसानी से काटा जा सके। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए अप्लाई करने का इसका नॉर्मल सा ये है कि आपने गाड़ी खरीदी होगी अगर 1 अप्रैल 2019 के बाद, कुछ ज़्यादातर गाड़ियों में आपको HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा के दी गई होगी। तब भी कुछ एजेंसीज में इस चीज़ का रहा कि उन्होंने नहीं लगाया था, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर ये लगा के दिया जा रहा था, उन्होंने खुद ही पूछा था और उन्होंने लगा के दे रहे थे। फाइनली 1 अप्रैल 2020 के बाद से जो भी गाड़ियाँ बिकी उसमें तो कंपलसरी कर दिया गया था कि बिना इसके तो वो गाड़ी दे ही नहीं सकते, डिलीवरी नहीं कर सकते, उनको लगवाना ज़रूरी था। फिर भी जो पुरानी गाड़ियाँ थी उनका बचा हुआ हिस्सा है कि हाँ उनमें कैसे लगाया जाए, तो इसके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ हैं उन पे लगवाना होगा, तो उसको किस तरह से लगवाया जा सकता है, उसके लिए आप जो आपके नज़दीक का RTO होगा वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे इसके स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप फीस जमा करेंगे। इसकी जो नॉर्मल है 400 समथिंग के आसपास होगी या कुछ भी है, वो वहाँ पे फीस जमा करेंगे, फॉर्म भरेंगे, अपना RC साथ में लगाएंगे, आपको एक उसकी रिसीविंग देके वो लोग वापस भेज देंगे। 10 से 15 दिन के अंदर पे आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेट तैयार है और इस डेट में आप आके ले जाइए। ये कोविड की वजह से इस तरह से बनाया गया है कि आप उस शेड्यूल डेट के आगे या पीछे नहीं जा सकते, जो वो टाइमिंग है आपको उसी टाइमिंग पे जाके वो रजिस्ट्रेशन प्लेट वहाँ से कलेक्ट करनी होगी। तो ये आपका एक अपॉइंटमेंट टाइम होता है और उसी दौरान आपको करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए एक वेबसाइट है, आप इसको इस तरह से कहते हैं www.bookmyhsrp.com। ये लिंक में भी मैं दे रहा हूँ, इसको लिंक में भी किया जा सकता है, लिंक पे आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो या फिर गूगल पे भी सर्च कर दीजिएगा bookmyhsrp, तो आपको पहला ही जो पेज निकल के आएगा उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे उस पेज को तो जो आपका पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा कि आपको केवल स्टिकर चाहिए या फिर आपको प्लेट भी चाहिए और स्टिकर भी चाहिए। अब स्टिकर और प्लेट का क्या है कि जो प्लेट है, नंबर प्लेट्स हैं, वो केवल नंबर प्लेट्स आएंगी, इसके अलावा भी एक स्टिकर मिलता है जो विंडशील्ड पे या साइड में लगाया जाता है, जो इजीली पढ़ा जा सके, मतलब आप जा रहे हो तो आपने कहीं पे गाड़ी पे कोने पे लगाना है। तो ये स्टिकर जो है नॉर्मली आज के समय में कंपलसरी है कि ये स्टिकर भी लगे होने चाहिए, तो आप केवल स्टिकर मंगाते हो तो स्टिकर भी, अदरवाइज आप केवल नंबर प्लेट मंगा रहे हो तो नंबर प्लेट के लिए भी। अब जैसे ही इसमें आप रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में चुनेंगे, स्टिकर के साथ में आप रजिस्ट्रेशन प्लेट भी ले रहे हैं, तो अब इसके बाद पहला ऑप्शन आएगा कि आप की गाड़ी जो है वो बिल्ड कौन सी है, मतलब किसने बनाई है, हुंडई है, मारुति है, MG हेक्टर है, कौन सी है वो, तो आप पहले वो अपना बिल्ड जिसने भी बनाई है वो कंपनी चुन लेंगे। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अभी फ़िलहाल इसमें UP और दिल्ली दिख रहा है। इसके अलावा बाकी और अलग अलग जो है वेबसाइट्स हैं जिनके साथ में आप लोग कर सकते हैं।
उसके लिए आपको अपने नज़दीकी जो भी हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, या वो अपनी वेबसाइट सर्च करनी पड़ेगी गूगल के थ्रू में कि आपके डेडिकेटेड स्टेट की कौन सी है। आपने उत्तर प्रदेश चूज़ कर लिया, उत्तर प्रदेश चूज़ करने के बाद फिर आप स्लाइड करेंगे और देखेंगे कौन सी एजेंसी आपके जिसने आपने गाड़ी खरीदी है। यहाँ पे दो ऑप्शन है कि जैसे बहुत पुरानी गाड़ी है तो हम उस एजेंसी पे जा नहीं सकते, या फिर इस तरह से ऐसा नहीं है, हमने बजाज की गाड़ी खरीदी है और हमने एक इसी शोरूम से खरीदी है, या फिर अब हमारे नज़दीक में ये शोरूम है तो हम वही वाला शोरूम चूज़ करेंगे। वो शोरूम चूज़ करने के बाद फिर आपका अगला ऑप्शन आता है जिसमें कि आपको अपनी गाड़ी की डिटेल देनी होगी, जिसमें कि आपने गाड़ी का नंबर और जो चेसिस नंबर है, इंजन नंबर है इत्यादि, ये सारी चीज़ें उसमें डालनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद स्लाइड करके नीचे आएंगे तो उसमें दिखा होगा कि कब आपकी गाड़ी रजिस्टर हुई है। आप अपना इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी नोट करेंगे, देन फिर नेक्स्ट में प्रोसीड करेंगे। किसी तरह का इसमें कन्फ्यूज़न होगा या फिर कोई चीज़ गलत भरी होगी तो वो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा कि हाँ ये चीज़ है, या फिर इस गाड़ी के लिए कोई, अगर इस गाड़ी के लिए अगर पहले से बुकिंग हो चुकी है, आपने टाइम स्लॉट बुक कर लिए हैं, तो ये फिर से जो है आपको वहीं बता देगी कि भाई इस गाड़ी के लिए ये डिटेल है। और किसी वजह से अगर कोई डिटेल इसमें मैच नहीं कर रही है तो वो डिटेल ना मैच करने पे वो बताएगा कि ये वाला वाहन के थ्रू ये वाला मैच नहीं कर रही, तो इनकेस वो डिटेल आप सुधार लीजिएगा, स्पेशली एम परिवहन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपनी डिटेल आप मैच करा सकते हैं। फिर इसके बाद अगले ऑप्शन पे आएंगे तो वहाँ पे आपसे डिटेल मांगी जाएगी, ऑनर का नाम, गाड़ी के किसके नाम पे है, इसके अलावा उसका एड्रेस क्या है, देन नीचे पे ये आएगा कि आप ये सारा डिटेल पे करना चाहते हैं। पे ऑनलाइन के लिए उससे पहले वो आपको बता देगा कि कितना इसमें अमाउंट है, 660 का अमाउंट हो रहा है जीएसटी और बाकी चीज़ें लगा के। वो अगर आपके पास पहले से कोई जीएसटीएन है, आप कमर्शियल गाड़ी की यूज़ कर रहे हैं, तो आप जीएसटी नंबर इस पर डाल सकते हैं, वो आपके जीएसटीएन वेरीफाई में भी काम देगी। इसके तो आपको बुक अपॉइंटमेंट करने के लिए एक ऑप्शन आ रहा होगा। अपॉइंटमेंट कहाँ बुक होगा? ये अपॉइंटमेंट बुक होगा जो आपकी एजेंसी है जहाँ के लिए आपने बुक किया हुआ है कि मैं ये यहाँ पर गाड़ी मेरी रजिस्ट्रेशन है, मैं यहाँ पर हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए बात करना चाहता हूँ, तो वो वाले अपॉइंटमेंट डेट बुक करना पड़ेगा। और उसमें जो कैलेंडर खुलेगा उस कैलेंडर में आपको दिखेगा जो ग्रीन रेड लिखे होंगे मींस वो वाले फुली बुक हो चुके हैं, और जो ग्रीन लिखे होंगे वो टाइमिंग है, तो मतलब वो अवेलेबल हैं स्लॉट्स। तो आपको पहले डेट चूज़ करनी है, डेट चूज़ करने के बाद उसमें टाइम स्लॉट्स लिखे हुए हैं अलग अलग, आप टाइम स्लॉट चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा पहले डेट चूज़ करनी है फिर टाइम स्लॉट पर क्लिक करना है, और उसी के नीचे आपको पेज में दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा होगा इस टाइम और इस डेट के लिए ये अपॉइंटमेंट आपने शेड्यूल की है। फिर देन आपके पास ऑप्शन आएगा, आप अपने प्लेट का पेमेंट करना चाहते हैं, इस बुकिंग के लिए पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये पेमेंट करने का ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू या किसी भी तरह से 660 का टोटल पेमेंट होगा। ये आपको ब्रीफ उसमें है कि जीएसटी कितना लग रहा है, किस चीज़ का कितना चार्ज ले रहे हैं, ये सारा कुछ वहाँ पे लगा जा रहा है। यहाँ पे जो टाइम स्लॉट बुक करने की बात आ रही है अभी नहीं है, क्योंकि जब कोविड नहीं था तो इससे पहले आप बुक कर लेते थे और किसी भी समय जाके आप एजेंसी में वो कागज़ अपने हैंड ओवर कर सकते थे, लेकिन अभी में क्या है कि कोविड के कारण हर चीज़ का एक टाइम शेड्यूल किया गया, आपको अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है, और उस अपॉइंटमेंट से पहले या उसके बाद में आप नहीं जा सकते हैं, तो इस बारे में ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी का बुकिंग कर लिया, पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा, हो सकता है कि टाइम लगता है, पेमेंट आपके बैंक से कटने के बाद थोड़ा बफर कर रहा होगा, थोड़ा टाइम लेगा, वो वेटिंग पीरियड में आपको ये होता है कि जो एजेंसी जहाँ से आपने बुकिंग की है वहाँ से भी कन्फर्मेशन आना ज़रूरी है, तो वहाँ से एक बार कन्फर्मेशन आने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, आपके पास रिसिप्ट आएगी, ये रिसिप्ट आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आएगा, आपकी ईमेल आईडी पे भी ये गया होगा, लेकिन ये प्रिंट है इसका, ये पीडीएफ इस रिसिप्ट का निकाल लेना, इसमें टाइमिंग, डेट और किस जगह पे आपको जाना है ये बकायदा मेंशन होगा। बिना इस रिसिप्ट के आप उस एजेंसी में जाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं है। जो भी आपका टाइम स्लॉट है, मान लीजिए 13 अक्टूबर 2020 में आपने टाइम शेड्यूल लिया 10 से 11 बजे के बीच में, तो आप 13 अक्टूबर 10 से 11 के बीच में आप उस एजेंसी जो आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे इनका डेडिकेटेड काउंटर है, वहाँ पे अपने एक आरसी की कॉपी
एक अपना ये रिसिप्ट और इसके साथ में एक अपनी आईडी, वो स्पेशली आईडी की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन इन केस बाद में किसी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो या कोई, या तो इसलिए वो एक आईडी मांग लेते हैं, वो आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है, वो आप साथ में लगा के वहाँ पे दे के आ जाएंगे। दे के आने के बाद जैसे ही आपका प्लेट तैयार होता है वो उस एजेंसी में पहुँच जाएगा और एजेंसी वाले आपको कॉल करके बता देंगे कि आपका प्लेट हमने रिसीव कर लिया है और आप आके ले लीजिए। तो ये इसका टोटल प्रोसेस है, बहुत लेंदी नहीं है और लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि आपको जो है जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करना है, अदरवाइज़ 1 अक्टूबर के बाद तो इसके बारे में आगे जारी हो चुकी है और किसी भी चालान के संबंध में, अगर रजिस्ट्रेशन प्लेट से संबंधित कोई भी चालान है तो ये लगभग 5,000 से लेके 15,000 तक का है, तो इसलिए इसमें बहुत सावधानी बरतनी है। और अगर अब तक आपका रजिस्ट्रेशन HSRP के लिए नहीं हुआ है तो इसको शीघ्र से शीघ्र करवा लीजिए, और किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके सवालों के जवाब देने की। तो अभी तक के लिए यही, और जल्दी दोबारा मिलते हैं किसी नए फ्रेश वीडियो में, और अगर किसी तरह का और कोई आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी सारी दुविधाओं को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।